नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय आर्यन द गुरु, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। उप मुख्यमंत्री बोले, विधानसभा क्षेत्र में जिन कार्यों को आज तक शुरू नहीं किया गया उन्हें मौजूदा सरकार पूरा करके जनता को करेगी समर्पित। रोहडू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के विशेष कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व सरकार की तरह वर्तमान सरकार कर्ज पर नहीं रहेगी निर्भर। सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का करेगी प्रयास, लोगों को दो साल में नजर आएंगे सुधार। निर्मल उपमंडल के निथर के क्यूरी ढमा में भारी ओलावृष्टि से सेब को नुकसान। बागवानों की मेहनत पर ओलावृष्टि ने फेरा पानी। प्रभावित बागवानों ने मुआवजा देने की उठाई मांग। पठानकोट मंडी फोनलेन निर्माण के लिए भाली में स्थापित कोलतार प्लांट का विवाद थमा। ध्वनि व हवा प्रदूषण को जांचने के लिए प्लांट के साथ लगते घरों में लगाए थे इंस्ट्रूमेंट। जांच में प्रदूषण का मामला नहीं आया सामने, लोग भी सहमत। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में ग्राम पंचायत भलाड़ भलोना में गौशाला पर गिरा भूस्खलन का मलबा। हादसे में एक गाय, एक बछड़ी व एक बछड़ा मलबे में दबने से मर गए, जबकि एक गाय काफी घायल हो गई। इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। सिरमौर जिला के सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में तेज बारिश के साथ बर्फबारी। मंदिर परिसर में ओलावृष्टि ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चूड़धार में दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मिनी सचिवालय ज्वाली के मैदान में खाई में गिरी कार, गाड़ी में सवार चारों लोगों को आई मामूली चोटें। लोग बोले, ठेकेदार ने बेतरतीब ढंग से खुदाई कर बनाई है खाई, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। रोहडू उपमंडल के चिड़गांव तागनू रोड पर बर्शिल पुल के पास बस की ब्रेक फेल, चालक ने चट्टान से दे मारी गाड़ी, कुछ सवारियों को आई चोटें, बड़ा हादसा टला। सोलन में बारिश का दौर जारी, सड़कों पर भूस्खलन होने से यातायात व्यवस्था ठप। एसडीएम कविता ठाकुर के एनएचएआई को निर्देश, जहां जहां पर पानी एकत्रित हो रहा वहां समस्या का जल्द समाधान किया जाए। शाहतलाई में स्थित एक जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आधी रात को सुलगी लपटों ने बरपाया कहर, दमकल विभाग ने लोगों की मदद से बुझाई आग। हमीरपुर में गलोड़ बाजार में एक महिला का पर्स तथा मोबाइल छीनकर फरार हुआ स्कूटी सवार, पुलिस ने रंगस के पास अमलेहड़ों में दबिश देकर दबोचा शातिर, स्कूटी व चुराया हुआ सामान भी बरामद। सोलन में सेब मंडी लगभग तैयार, 10 करोड़ की लागत से तैयार मंडी में सेब बागवानों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। बागवानों और आढ़तियों के लिए किया जा रहा दुकानों का निर्माण। महिला पटवारी से अभद्र व्यवहार को लेकर ऊना में पटवारियों ने किया रोष प्रदर्शन, डीसी को ज्ञापन सौंप, लगाए सुरक्षा की गुहार। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में खराहल व कशावरी फाटी की जनता सड़कों पर उतरी, लोगों ने सरवरी से ढालपुर उपायुक्त कार्यालय तक किया विरोध प्रदर्शन, उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 का एनएचपीसी के करिया स्थित बैडमिंटन हॉल में शुभारंभ। दो दिवसीय चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के करीब 250 प्रतिभागी दिखाएंगे दमखम। चैंपियनशिप में होंगे सब जूनियर काडर, अंडर 21 और सीनियर वर्ग के मुकाबले। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के तत्वावधान में नगर परिषद चंबा और प्रेरणा दी इंस्पिरेशन संस्था के साथ मिलकर सुल्तानपुर वार्ड के माई का बाग मोहल्ले में छेड़ा सफाई अभियान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने लोगों को दिया जागरूकता संदेश। खबरें फटाफट में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।